नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है टॉप 20 खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरू करते हैं टॉप 20 खबरों का सिलसिला। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला भी दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हरियाणा चुनाव में नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी की जमानत जब्त की गई। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने रतन टाटा के निधन पर जताया शोक। दिल्ली सीएम आवास सील होने को लेकर संजय सिंह का एलजी पर निशाना। रतन टाटा की कमी हमेशा खलेगी, इस नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकेगी, बोले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी नहीं लगा पाए, बोले गृह मंत्री अमित शाह। उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति, रतन टाटा के निधन पर ओम बिरला ने जताया दुख। दिलजीत दोसांझ ने जर्मनी में कॉन्सर्ट रोक दी, रतन टाटा को श्रद्धांजलि। दुर्गा पांडाल से लौट रही लड़की को किया किडनैप, चार युवकों ने नदी के किनारे से ले जाकर किया गैंगरेप। ट्रेन में बम के साथ आतंकी है, अलर्ट के बाद मचा हड़कंप, 3 घंटे रुकी रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बिग बॉस 18 में जाने पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने समर्थकों से माफी मांगी। देश को हिलाकर रख दिया रतन टाटा के निधन से गहरे सदमे में है सचिन तेंदुलकर। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, साहसिक पर्यटन का परीक्षण देगी आईटीबीपी। बढ़ गई यूपी डीएलएड के आवेदन की आखिरी तारीख। रतन टाटा का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। रतन टाटा ने ही बनाई थी पहली मेड इन इंडिया कार, मार्केट में आते ही मच गई थी धूम। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ने चलाई बड़ी चाल, कहीं मुश्किल में ना पड़ जाए टीम इंडिया। रतन टाटा के निधन पर दुनिया गमगीन, नेपाली पीएम, अमेरिकी राजनयिक से लेकर तमाम दिग्गजों ने जताया दुख। रतन टाटा से सीखा रिस्क लेना, हमेशा किया इंस्पायर, शाहरुख खान ने कहा। टॉप 20 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ आप जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।